हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अर्गस ग्रो पॉइंट। दिस साइड सोन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन आपके लिए है। अगर आप पाली और तिब्बतियन में कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बौद्ध अध्ययन विभाग, कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। ओके, सो यहाँ पर कुछ डेट्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट जो डेट है आपका है 12 अगस्त को, और लास्ट डेट फॉर एडमिशन मतलब आपका एडमिशन कब होगा वो आपका होगा 26 अगस्त को। ओके, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस एडमिशन टू द सर्टिफिकेट कोर्स इन पाली तिब्बतियन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023 एज पर एज फॉलोइंग शेड्यूल्स। मतलब 2022-23 में जो है कि तिब्बत और पाली में जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट्स है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म अवेलेबल, मतलब आपका जो फॉर्म आएगा वो कब से कब तक रहेगा, तो आपका 27 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है कि ऑनलाइन आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, मतलब आपका एंट्रेंस टेस्ट कब है, तो आपको वह है 12 अगस्त को। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका 16 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है कि 18 से लेकर के 26 अगस्त के बीच में आपका जो एडमिशन होगा 11 से लेकर 1 बजे के बीच में। ओके, और यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट भी जो है वेरीफाइड होगा 18 से लेकर 26 के बीच में, टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है। इसके बाद वेन्यू की बात कर लेते हैं, जिस जगह पे होगा वो है आपका ऑफलाइन होगा, रूम नंबर 310B में, सेकेंड फ्लोर, आर्ट फैकल्टी, और ये बिल्डिंग का नाम क्या लिखा हुआ है क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको देख लेना। एलिजिबिलिटी है जो आपका, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मिनिमम 40% इन एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, मिनिमम 40% आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम चार्ज इतना भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट फी के बारे में लिखा है 300 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे, अगर आप एससीएसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे इसके लिए। आगे लिखा है द एप्लीकेंट शैल पे द एंट्रेंस टेस्ट फी थ्रू द ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट आफ्टर द सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहे हैं कि आप जो है विधिवत फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसके बाद आपको एक लिंक जाएगा, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द ईमेल ऑफ द एप्लीकेंट मेंशन इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जीमेल दिया होगा उस पर जो है आपको एक मेल आएगा, एक लिंक आएगा, उसके जरिए जो है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, ड्यूली फिल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू द मेल ईमेल, मतलब फॉर्म को अच्छे से फिल करके आपको ईमेल करना है। यहाँ पर लिखा है टेलीफोन नंबर, अगर आपको किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर जो है जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।